8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिला पखवारे पर 7 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह के निर्देशन में आगामी 8 मार्च में महिला दिवस के एक दिन पूर्व 7 मार्च को जिला न्यायालय में परिवार न्यायालय परामर्श व सुलह समझौते के लिए वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया कि 7 मार्च को आयोजित लोक अदालत में ऐसे प्रकरणों पर चर्चा करके सुलह की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अधिक से अधिक पारिवारिक वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा 10 अप्रैल को बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय समय पर हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत और नियमित लोक अदालत लगाते रहते हैं। इस बार जो हम एक विशेष लोक अदालत आगामी 7 मार्च 2021 को लगाने जा रहे हैं, इसका मेन पर्पस है कि ऐसे मामले जो विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है, चाहे वो हमारे लघुवाद से संबंधित मामले हो, हमारे पेटी ऑफेंसेस हो, MSCT कोर्ट से संबंधित मामले हो और कमर्शियल कोर्ट के मामले हो, पारिवारिक मामले हो, ऐसे समस्त मामलों को निस्तारित करने के उद्देश्य से एक हम स्पेशल नियमित त्रैमासिक लोक अदालत इस मार्च के 7 को लगाने जा रहे हैं। ये हमारे इस दीवानी न्यायालय परिसर में ही लगना है। ये सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लगना है और इस नियमित लोक अदालत के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक मामलों को निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा आप जानते हैं कि हमने पूर्व में भी आपके माध्यम से लोगों को बताया है कि एक मेगा लोक अदालत आगामी 10 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस मेगा लोक अदालत में बहुत बृहद स्तर से इन मामलों के अलावा बैंक रिकवरी के मामले, आपके रेवेन्यू के मामले तथा इनसे संबंधित अन्य बृहद स्तर पर मामलों का निस्तारण किया जाना है। चूँकि सालसा ने ये निर्देश हमें सालसा से हमें निर्देश प्राप्त है कि एक नियमित अंतराल पर भी ऐसे मामले जो विभिन्न न्यायालयों में पेंडिंग है, उसकी पेंडेंसी को कम करने के लिए एक विशेष लोक अदालत हर 3 माह पर लगाया जाए। तो हम लोग ये राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ साथ हम इन नियमित लोक अदालत का भी आयोजन करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला जो त्रैमासिक लोक अदालत है वो इसी 7 मार्च को होना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाने जा रहे हैं, तो मिशन शक्ति योजना और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पारिवारिक मामले में जितने भी महिलाओं से संबंधित मामले हैं उसके निस्तारण के लिए भी हमारे प्रधान न्यायाधीश और अपर प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट सब लोग तत्पर हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक मामलों को निस्तारित किया जाए और इसके निस्तारण के लिए उसके एक दिन पूर्व अर्थात 7 को ही उसी जो विशेष लोक अदालत है उसमें भी फैमिली संबंधित मामलों का भी निस्तारण होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त वादकारियों से निवेदन करता हूँ कि वे इस नियमित लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को लगवाएँ और अधिक से अधिक मामले निपटाएं।